dear students, assalamu alaikum. today we are going to compare quickbooks online with quickbooks desktop, which we have been learning for the last many lessons. now, as you know, quickbooks online is gaining momentum with the small and medium enterprises because it is easy to use and quite efficient as far as data entry is concerned from

वहाँ से जाके आप इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं और वहीं रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि जब तक डेस्कटॉप है इसकी तमाम चीज़ों की रखवाली आपने खुद करनी है बैकअप आपने लेना है इंश्योर करना है कि आपके पास इसका डेली बैकअप मौजूद हो और अगर खुदा न खास्ता आपके सर्वर को कुछ होता है तो इसे कहीं और कॉपी करके चलाना पड़ता है लेकिन क्लाउड बेस्ड जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन उसमें ये तमाम तर जिम्मेदारी कंपनी ने अपने ऊपर ले ली है तो आपको ये वाला मसला भी नहीं होता ये सिस्टम आपको 24/7 365 डेज अवेलेबल मिलेगा क्योंकि ये सारी ज़िम्मेदारी इंटोेट कंपनी ने अपने ऊपर ले ली है तो ये तो है फ़वाद हमारे बेसिकली ऑनलाइन के लेकिन जो आपने देखा कि बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है लेकिन याद रहे कि अगर आप ये वीडियो कोई एक महीने के बाद देख रहे हो तो इनमें से बहुत सारे फ़ीचर्स वहाँ अवेलेबल हो गए हों क्योंकि बहुत तेज़ी से ऑनलाइन अब डेस्कटॉप प्रो के बराबर आता चला जा रहा है जो कमी हमें असल में नज़र आती है वो इसलिए नजर आती है कि हमारे पास उतने ग्राफिकल डिज़ाइन वो सारी चीज़ें जो डेस्कटॉप पे होती हैं वो पूरी की पूरी एक ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड सिस्टम पे, वेब बेस्ड सिस्टम पे देना मुश्किल होता है मुश्किल इस सेंस में नहीं कि कोई बना नहीं सकता बना सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको इंटरनेट की बैंडविड्थ बड़ी चाहिए क्योंकि वो आपके पेज बड़े हैवी हो जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि उसको जितना लाइट हो सके उतना रखा जाए ताकि आपकी ज़्यादातर टाइम सिर्फ डेटा पास करने में इस्तेमाल हो इसलिए उसमें वो खूबसूरती वो ग्राफिक्स नज़र नहीं आते जो हमारे डेस्कटॉप वर्जन में नज़र आते हैं इन दोनों में फ़र्क तो वही है कि एक ऐसी किताब हो जिसमें तस्वीरें भी हों और एक ऐसी किताब हो जिसमें तस्वीरें ना हो और यकीन जो तस्वीरों वाली किताब होती है वो ज़्यादा दिलचस्प नज़र आती है लेकिन याद रहे कि यहाँ हम एक फाइनेंशियल और ई सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा दिलचस्पी इस सेंस में होनी चाहिए कि हमारी डेटा एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा सही है आपने पिछले एक लेक्चर में देखा था कि बहुत सारी ऐसे फ़ीचर्स हैं जो जब हम यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन में तो खो जाते हैं और ट्रांसफ़र नहीं हो पाते रीज़न ये नहीं है कि वहाँ वो फीचर्स दिए नहीं गए फीचर्स दोनों जगह मौजूद हैं लेकिन वो जो लिंक हैं और इंटरमीडिएट जो टेबल्स वगैरह बनते हैं वो अभी नहीं बने लेकिन फिक्र ना करें वो बन रहे हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप एक महीने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो शायद ये वीडियो ही ऑफ हो चुकी हो क्योंकि वो तमाम जो कमी थी वो शायद पूरी हो चुकी होंगी लेकिन फिलहाल हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिंक जो हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो नहीं मिलते मिसाल के तौर तो पर एस्टिमेट जिसके ऊपर हमने बहुत सारी इन्वाइसें बनाई हुई हैं पी जिसके ऊपर हमने बहुत सारे वेंडर्स के बिल लिए हुए हैं उनका जो आपस में करेक्शन है वो लूज़ हो जाता है लेकिन आप जब आप पहुंच जाएंगे ऑनलाइन पे तो वहाँ आप ये रीबिल्ड कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा काम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम हो रहा है और जैसे जैसे हमारा ये काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बसानी यहाँ से उधर ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और लिंक्स भी चले जाएंगे इस पे टीम इनकी काम कर रही है आज हम ये देखेंगे वो कौन से फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल ही फिलहाल वंस अगेन फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है अगर हम इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त इन्वेंट्री जो हमारे सिस्टम में चल रही है वो हमारे पास मूविंग एवरेज के ऊपर चलती है लेकिन इस वक्त जो इन्वेंट्री मौजूद है हमारी ऑनलाइन में वो है फाइफ ओ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर चल रही है इस तरह से दूसरी चीज़ मिनिमम और मैक्सिमम लेवल्स जो हम यहाँ असाइन कर दिया करते थे अभी फ़िलहाल आपको ऑनलाइन में ये सहूलत मौजूद नहीं होगी इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स का जो हम पार्ट नंबर रखा करते थे वो एक हफ्ते पहले तक नहीं था अब उन्होंने इसकी जगह एक एस नंबर दे दिया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर इसके अलावा सेल्स ऑर्डर की फैसिलिटी जो कि एंटरप्राइज एडिशन क्विक बुक्स प्रो में मौजूद है वो अभी सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग इसके अंदर पूरी तरह से नहीं आई और कस्टम फील्ड्स जो हम अपने आइटम्स के साथ इन्वेंट्री आइटम्स के साथ लगाया करते थे वो अभी हम वहाँ नहीं लगा सकते लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ऐसे फीचर्स हैं जो कि बसानी दिए जा सकते हैं सिर्फ ये काम होता है कि इसके लिए सिर्फ आपको एक जगह ये फ़ीचर नहीं देना ये फीचर फिर थ्रू आउट द सिस्टम चलना चाहिए यानी अगर आपने कोई कस्टमाइज फील्ड बना ली है तो कस्टमाइज फील्ड का फायदा उस वक्त होगा जब ये रिपोर्टों में भी छपे इन वॉयस पर भी छपे बिल्स पर भी छपे और जहां जहां आपको रिपोर्टिंग चाहिए वहां ये आपकी जो कस्टमाइज फील्ड है वो नजर आए तो इसलिए खाली कस्टमाइज फील्ड की एक जगह दे देना या एक फील्ड दे देना टेबल में उससे काम नहीं होता इस पूरे सिस्टम में इसको हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है और इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारे पास एस्टिमेट्स वगैरह बना करते थे लेकिन अभी जो एस्टिमेट्स हमारे बन रहे हैं वो उसके साथ अगर आपने ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी है तो वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा इसके साथ ही अगर आपको याद होगा कि हम लोग ग्रुप बनाया करते थे आइटम्स का यहाँ उन्होंने उसकी जगह जो नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो ये ग्रुप से मिलता जुलता ही है वो है बंडल तो अब आप ग्रुप की जगह यहाँ बंडल जो है वो बनाएंगे इसके अलावा एस्टिमेटेड वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्टिंग क्योंकि एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगी फिलहाल बजटिंग हमारे क्यू बी ओ में या क्यू बी ओ जो होता है क्विक बुक्स ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है इसके अलावा जो चीज़ें हमारे पास थोड़ी बहुत यहाँ हैं लेकिन वहाँ अभी अवेलेबल नहीं है वो है कस्टमाइजेशन ऑफ इनवॉइसेस, कस्टमाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स ये इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ताकतवर एडिटर मौजूद है हमारी डेस्कटॉप के वर्जन में जिसमें आपको याद होगा कि हमने इन की पूरी शक्ल ही बदल दी थी हमने वहाँ फील्ड निकाल दिए फील्ड को मूव कर दिया उनके फॉन्ट्स बदल दिए उसकी आ, फुटर बदल दिया उसका हेडर बदल दिया जो चाहे अपना लोगो लगा लिया ये सारी चीज़ें एक पावरफुल एडिटर जो कि आपके डेस्कटॉप पे है बड़ी आसानी कर सक से कर सकता है लेकिन इतना पावरफुल एडिटर अगर आप किसी इंटरनेट पे देना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट भी होगी और वो आपको पास ऑन भी कर करेंगे और उसके लिए थोड़ा सा आपको आपका इंटरनेट भी की बैंडविड भी ज़्यादा चाहिए होगी लेकिन क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम चाहिए और हमें अपना काम भी चलाना है इसलिए अभी फ़िलहाल उन्होंने इतना ताकतवर ताकत एडिटर हमें उधर नहीं दिया है इस तरह से पेंडिंग इन्वासेस अगें एस्टिमेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमें यही नहीं पता कि एस्टिमेट उसमें नहीं आता इसी तरह से इन्वेंट्री सेंटर में जब जा, जाके देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ मिसिंग है वो है बैच इन्सिंग की इफ़ यू कैन रिकलेक्ट बैच इन्वाइसिंग वो चीज़ थी जब हम एक ही टाइप की इन्वाइस बहुत सारे कस्टमर को भेज दिया करते थे क्या होता था रेंट क्या होता था अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं केबल टीवी दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं एक ही वॉयस आपने हर महीने बनानी है तो उसके लिए हम बैच प्रोसेसिंग कर लिया करते थे अपनी इन की अभी ये फ़िलहाल इसमें अवेलेबल नहीं है इसके बाद जो बहुत सारी कमेंटेड रिपोर्ट्स अगर आपने याद होगा कि हम अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर कमेंट्स ऐड कर दिया करते थे वंस अगेन ये अभी अवेलेबल नहीं है रीज़न वही है फील्ड देना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसका लुक एंड फील आपको स्क्रीन पे दिखाना इज़ द मेन इशू आपके लिए फीड तो वो दे देंगे लेकिन क्या वो स्क्रीन पे वो दिखा भी पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे ये एक वो क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर काम हो रहा है और ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर डेस्कटॉप वर्जन पे इन्होंने कर दी है तो कोई मसला नहीं कि ये ऑनलाइन वर्जन पे भी कर दें लेकिन दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम अच्छा याद रहे कि हमने एक और चीज़ की थी और वो ये था कि हमने अपने असेसमेंट की थी ऑडिट करने के बाद क्वांटिटी की भी और वैल्यू की भी अपनी इन्वेंट्री की और हमने वो दोनों असेसमेंट करने के बाद करेक्शन की थी अपने इन्वेंट्री के अंदर फिलहाल हमारे पास यू बी ओ क्विक बुक्स ऑनलाइन पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्वांटिटी वाइज एवेल्युशन है उसको हम गेन एंड लॉस के थ्रू ठीक कर सकते हैं लेकिन जो वैल्यू या अमाउंट वाइज वैल्यूएशन है वो अभी इनकॉर्पोरेटेड इसके अंदर नहीं है ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या अभी ये सारी चीज़ें ना होते हुए हम उसके ऊपर स्विच कर जाएं? और अगर आपके लिए ये ज़रूरी हैं तो फिलहाल आप स्विच ना करें माना कि वहाँ आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही हैं लेकिन टू या थ्री मंथ्स डाउन द लाइन जब ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर आप स्विच करते रहें याद रहे कि इसकी अपडेट्स मुसलसल इंटेट वाले देते रहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर कर ली हैं और आपको आपके पास इंटरनेट पर भी ये पता चलता रहेगा कि कब आपका जो रिक्वायर्ड जो भी फीचर है वो अवेलेबल हो गया है तो यहाँ बताना सिर्फ ये था कि ये बहुत सारे फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच ओवर टू ऑनलाइन

स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारा लुक एंड फील क्या आता है जब हम क्विक बुक्स इस्तेमाल करते हैं अपने ऑनलाइन वर्जन को इंटरनेट के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि जब आप लॉग इन होंगे तो वह आपसे आपकी कंट्री भी पूछ लेगा और यहाँ हमने पाकिस्तान चूज किया है तो यहाँ जो हमें वो ऑप्शंस दे रहा है उसमें जो सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है साढ़े सात डॉलर पर मंथ व नेक्स्ट सिक्स मंथ्स तो ये सबसे सस्ता इसका मॉड्यूल है और इसमें तकरीबन तमाम काम जो आप करना चाहते हैं बेसिक वो सारा का सारा हो जाता है लेकिन हमने क्योंकि अपना एक फ्री अकाउंट बनाया हुआ है तो हम लॉगिन होते हैं और देखते हैं कि क्विक बुक्स ऑनलाइन है उसकी लुक एंड फील कैसी है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने काम किस तरीके से करना क्विक बुक्स ऑनलाइन का याद रखिएगा कोई बुक्स ऑनलाइन में तमाम वो फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप वर्जन में हैं लेकिन इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी आपको फ़र्क लगेगी एज़ कम्पेयर टू योर डेस्क ये हमारा बेसिक एक स्क्रीन है जो हम सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे और आपके लेफ्ट पे इसके मेन्यू आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ साथ जो आपने सेटिंग अपनी कंपनी की करनी है वो सारी की सारी आपने सेटिंग वाला जो बटन है आइकॉन है उसे दबाई करनी है और सेटिंग आइकॉन हमेशा गेयर की शक्ल का होता है याद रखें जब भी हम इसे दबाएंगे तो आपके पास कंपनी के लिहाज से तमाम डिटेल वो दिखा देगा जिसको अपडेट करना चाहें आप कर सकते हैं ये आपको वंस अगेन वो सारे फ़ीचर्स दे रहा है कि आप डेटा जितना लाना चाह रहे हैं इम्पोर्ट करके वो ले आए फ्रॉम एक्सेल लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हमारी कंपनी के बारे में ये हमें क्या बताता है अब आप देख सकते हैं कंपनी का हम यहाँ अपना लोगो भी डाल सकते हैं कंपनी का हम यहाँ नाम भी दे सकते हैं जो कि हमने दिया हुआ है इसका कोई अगर आपके पास ख़ास नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर हम वो भी दे सकते हैं इसका एड्रेस भी दे सकते हैं फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले भी देखा था कि हमने अपने डेस्कटॉप पे भी ये सारी की सारी काम किया था इसके अलावा ये हमने बताया है सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके अंदर हमारे पास वंस अगेन वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम लिस्ट कर सकते हैं कि पार्टनरशिप है बिज़नेस है कॉरपोरेशन है वटैवर तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हम अपने डेस्क प्रो पे करते थे यहाँ उसकी ज़रा शक्ल बदली हुई है इन्फॉर्मेशन सारी वही आपने उसी तरह से यहाँ चीज़ें डालनी है और जब आप ये डाल चुके हैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने इसे कर देना है डन ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेटिंग वगैरह कंपनी की इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपने इधर सेटिंग में जाके करनी है और सेटिंग का जो आपके पास आइकॉन है वो है गियर इसमें आप अपनी लिस्ट मैनेज कर सकते हैं इसमें आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट मैनेज कर सकते हैं इसमें आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डाल सकते हैं तमाम लिस्ट्स अगर आपको याद हो वो लफ्स लिस्ट जो हम वहाँ पॉपुलेट किए करते थे वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ से यहाँ फिल कर देनी इसके अलावा अब जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे मुख्तलिफ किस्म के अगर आपको याद है कस्टमर सेंटर वेंडर सेंटर और ये सारी चीज़ें वो कहाँ हमें नज़र आएंगी वो हमें नज़र आएंगी इस प्लस के साइन के साथ इसमें हमारे कस्टमर्स जिनकी इन्वाइस हम डालते हैं सप्लायर्स जिनके अगेंस्ट हम बिल्स डालते हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ अवेलेबल हैं और यहाँ जो जो आप अपने कस्टमर यहाँ आप रजिस्टर करते चले जाएंगे हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी चीज़ ये है कि एक्सेल में जैसे कि अगर आपको याद होगा कि एक्सेल से हम सारा डेटा उठा के ला सकते थे तो यहाँ भी आप एक्सेल फाइल बनाएं डेटा पूरा पॉपुलेट करें और उसको यहाँ इम्पोर्ट कर लें वेंडर के साथ भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो यहाँ आप अगर देख सकते हैं कि पूरा आपका कस्टमर सेंटर वो ऊपर से ले नीचे तक यहाँ मौजूद है और इसी तरह से आपका जो वेंडर सेंटर है वो भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद है ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप वहाँ मुख्तलिफ सेंटर्स में देखते थे और सिंबल्स के थ्रू देखा करते थे आइकॉन्स के थ्रू देखा करते थे वो यहाँ लिस्टेड हैं ये इसका एक बेसिक फ़र्क है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया रीज़न वही है बेसिक फ़र्क इसलिए है कि ये बड़ा लाइट वेट इंटरनेट पर चलने वाली स्क्रीनस है जो हमसे इंटरफेस कर रही हैं वहाँ हमारे पास सारी चीज़ें लोकली पड़ी होती थी तो उन्हें इतना कुछ ज़्यादा मसला नहीं होता था यही चीज़ें आप अपने लेफ्ट हैंड पे दिए गए मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं जिसमें बैंकिंग भी मौजूद है जिसमें आपका सेल्स भी मौजूद है सेल्स में भी आपके सारे कस्टमर्स इंफॉर्मेशन मौजूद है यहाँ एक्सपेंसिव भी मौजूद है इम्प्लॉज़ की डिटेल भी है रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं आपके पास जितनी रिपोर्ट्स आपने वहाँ देखी थी उतनी सारी की सारी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स यहाँ आपको मिल जाएंगी आप थोड़ा बहुत इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन देख भी सकते हैं इसके अलावा आपने अगर वहाँ का कोई टैक्स सेटअप किया हुआ है और उनका टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ मुमकिन है इसी तरह से चार्ट अकाउंट जो हमने अगर आपको याद हो पूरा डिटेल में वहाँ बनाया हुआ था यहाँ भी सारा का सारा चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल है इसका बिल्कुल वही हिसाब है जो हमारा वहाँ था हो सकता है कि वहाँ आपने चंद नए कोर्स खोले हों वो आपको यहाँ खोलने पड़ेंगे लेकिन नंबरिंग के लिहाज से चार्ट ऑफ अकाउंट की डिटेल के लिहाज से ये तमाम चीज़ें वही हैं जो कि हमारे डेस्क प्रो पे हैं सिर्फ इसका लुक एंड फील डिफरेंट है इंटरेक्शन करने के लिए जो आपको स्क्रीन आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप वर्जन लेकिन बाकी तमाम चीज़ें वही हैं नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हम एक ऑनलाइन वर्जन खोलते हैं और अपना पुराना डेस्कटॉप प्रो खोल के उनको आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ डिफरेंस है और जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम किस तरीके से ओवरकम करें या उसको किस तरह समझें कि इसमें ऑनलाइन में वो चीज़ किस तरह से की जाती है सो अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच